मैथ्स टीचर्स के साथ में एक प्रॉब्लम आता है दैट एट द टाइम व्हेन दे हैव एन एग्जाम और वो इक्वेशन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे गूगल वाला, सो दे मे प्रिपेयर द एंटायर पेपर इन एमएस वर्ड लाइक दिस, लाइक आई हैव प्रिपेयर टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन डूइंग समथिंग लाइक दिस विद टू ऑप्शंस एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू हैविंग फ्यू ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर वन में खाली ट्रू और फॉल्स का है दो ऑप्शन और टू में फिर से दो इक्वेशंस है हमारे पास में. सो एट टाइम्स व्हाट वी डू इज एट दैट टाइम व्हेनेवर वी हैव अ गूगल फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां पे जैसे ड्राइव पे गया, यहां से मैंने एक नया गूगल फॉर्म ब्लैंक फॉर्म क्रिएट किया. ये ब्लैंक फॉर्म एक नॉर्मल फॉर्म के जैसे होगा, यहां पे जैसे मैंने लिखा मैथ्स क्लास 12 एंड द सेम थिंग विल कम हियर, सो आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक अ क्विज बाकी के ऑप्शंस आप पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आप अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो, प्रोग्रेस बार देना चाहते हो, ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हो, तो ऑल दोज थिंग्स एक बार रिस्पॉन्स देना चाहते हो, ऑल दोज थिंग्स कैन बी सेट एज द वे यू वॉन्ट टू बी, जैसे कि आप बाकी नॉर्मल फॉर्म्स में करते हो. मैंने सेटिंग्स को अपडेट कर लिया, यहां पे मैंने सेक्शन नंबर वन पे उसका नाम पूछा, इसको यहां से शॉर्ट आंसर करके कंपल्सरी किया, आंसर की में मुझे इसके कोई मार्क्स नहीं चाहिए तो मैंने जीरो कर दिए. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड पार्ट दैट इज द सेकंड सेक्शन, यहां से ऐड सेक्शन किया, तो सेकंड सेक्शन पे आकर के ऐसे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पे ऐड करने जा रहा हूं. उसके पहले ये जो मेरे मैथ्स का पेपर है इसमें मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक स्निपिंग टूल आएगा जो रन पे एस एन आई पी पी आई एन जी करके ऑन किया जा सकता है, रन पे आप टाइप करेंगे स्निपिंग टूल मिलेगा, मैंने न्यू में क्लिक किया और यहां से ड्रैग लाइक दिस एंड लीव, यू कैन सेव इट समवेयर, आई एम सेविंग इट ऑन माय डेस्कटॉप with something like question 1, say Q1. Similarly, मैं second वाले सवाल पे आया, फिर से swimming tool on किया, new किया दोबारा, question number 2 select किया, इसको save किया उसी location पे, question 2 के नाम से, और इसको minimize कर दिया. Coming to the form once again, plus पे क्लिक करो टू एड द क्वेश्चन. नाउ जब अपना कर्सर यहां पे लेके आओगे there will be an icon called as an image icon, to insert an image. Image पे आए, I can upload it either through my drive, so मैं अपने क्वेश्चन को मेरे ड्राइव में डाल सकता हूँ. डायरेक्टली अपलोड के लिए अपलोड में जाइए, ब्राउज में जाइए, से I'm selecting question number 1. It might take time as per the speed of the internet. और यहां पे टाइप कर दिया फाइंड द आंसर. नाउ आंसर के लिए यहां पे इंस्टेड ऑफ शॉर्ट आंसर आई एम टेकिंग मल्टीपल चॉइस एंड आई एम अगेन टाइपिंग ए एंड बी. आई कैन मेक इट कंपल्सरी आंसर बटन पे गए और यहां से उसको सपोज 2 मार्क का क्वेश्चन किया और यहां से करेक्ट आंसर मैंने दिया ए, तो हूएवर विल प्रेस ए विल गेट 2 मार्क्स. वंस अगेन सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपने फिर से प्लस में क्लिक किया, फिर से इमेज पे गए, क्लिक ऑन ब्राउज वंस अगेन, क्वेश्चंस की इमेजेस आप पहले ले चुके हो, क्लिक क्वेश्चन नंबर 2. ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट स्पीड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आंसर. अब यहां पे आकर के आपने खाली ए और बी टाइप करना है, रिक्वायर्ड पे जाना है जो है वो कंपलसरी हो जाए. आई एम गोइंग टू मेक दिस क्वेश्चन अ 3 मार्कर क्वेश्चन एंड से माय आंसर इज बी, डन. अब जब आप इसको स्टूडेंट्स को भेजोगे तो स्टूडेंट्स को भेजने के तरीके काफी सारे होंगे, यू कैन क्लिक एट द सेंड बटन
and can email it to them, or you may click at the link icon, can shorten the link path. यहां से लिंक को आप कॉपी कर लो और उसको अपने व्हाट्सएप में या कहीं पर उसको पेस्ट करके उसको स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि उसको फॉर्म को डायरेक्टली कैसे यूज करना होगा.